हम तो पूछेंगे भी एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आधे से ज्यादा बिहार बाढ़ में डूब चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, आवाई दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा सवाल ये है कि आखिर सरकार के कदम जमीन पर कब पड़ेंगे? जमीन जो अब पानी से पूरी तरह भर चुकी है। न्यूज 18 इंडिया की लंबी चौड़ी टीम इस वक्त बिहार में है, अलग अलग जगहों पर, लगभग बाढ़ प्रभावित हर जिले में हमारी कोशिश है कि हमारे संवाददाता मौजूद रहें, और जो तस्वीरें भेजी जा रही हैं उन्हें देखकर वाकई में दिल दहल जाता है। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे कि आखिर बिहार में कहां है नीतीश कुमार का सुशासन। बिहार में बाढ़ से अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है, 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। नीतीश कुमार ने लोगों को यकीन दिलाया है कि सरकार लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा है तो फिर बिहार के तमाम जिलों से बुरी खबरें क्यों आ रही हैं? कहीं रहने के लिए लोग कह रहे हैं छत नहीं है, कहीं खाने के लिए उनके पास रोटी छोड़िए कुछ भी नहीं है, कहीं मवेशी पानी में बह चुके हैं, तो कहीं सड़क ही दरिया में तब्दील हो चुकी है। स्थिति पर सरकार की नजर है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है। सरकार बाढ़ की इस स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम लोग चूहा मार करके खा रहे हैं, घर द्वार सब डूब गया है, तो क्या व्यवस्था होगा हम लोग का? चूहा पानी से निकल गया है ना, इसीलिए करके जंगल झाड़ में मिलता है। सब घर के लोग यही खाते हैं, सब लोग का यही खाते हैं सब घर का। जनता कहीं परेशान नहीं है, बाइट तो एकाध जगह कहीं किसी का ले लीजिए, उससे नहीं फर्क है। आप इत्मीनान से रहिए हुजूर, क्योंकि पानी अभी कंधे तक ही पहुंचा है। झांकने तब आइएगा जब पानी सिर से ऊपर होगा और सैकड़ों जान बुलबुला हो जाएंगे। कुछ कर सकते हैं तो पहुंचिए वहां तक, जिनके छप्पर उड़ चुके हैं, जिनके मवेशी डूब चुके हैं। जाइए उन अस्पतालों में जहां एक जमाने में आपका सुशासन इतरा रहा था, मगर आज कुछ बच्चों के बीच शर्मिंदा खड़ा है। इस तंबू में दो बच्चा ने जन्म लिया है रात में, और ऊपर से इंद्र भगवान का पानी और उधर से नेपाल सरकार की पानी, बीच में वो बच्चा जन्म लिया यहाँ पर। है हिम्मत तो खड़े होकर देखिए उन सड़कों पर जहां दरिया के आगे पांव डगमगा जाते हैं। कुछ करना है तो होकर आइए उन टापुओं पर और देखिए कि खाने के बिना जिंदगी कैसी हो जाती। बस सारा रात भूखे हैं, किच नहीं खाए हैं, अभी तक किच बेटा ही नहीं है, घर में जो था किच नहीं बचा है, सभी भास गया। उम्मीद भरी निगाहें विपक्ष पर पड़ी तो लालू के चश्मो चिराग कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ, कुछ विपक्षी नेता जरूर थे जिन्होंने हाथों में तख्ती लेकर विरोध की रस्म पूरी कर दी। फ्लड फाइटिंग का काम मार्च से शुरू होता है, लेकिन बिहार की विडंबना और क्या दुर्भाग्य है, सरकार ने फ्लड फाइटिंग के लिए तैयारी नहीं किया। आधे से ज्यादा बिहार बाढ़ से परेशान है। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, मोतिहारी, हर जिले से दर्दनाक तस्वीरें सामने हैं। करीब 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आपकी जुबान में समझाएं तो उतने लोग जो आपके कम से कम 5 सांसद चुनने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जागिए सरकार और आंखें खोलिए, क्योंकि बिहार का सुशासन अब खतरे के निशान के ऊपर है। हम तो पूछेंगे कि आखिर बिहार के लोग बाढ़ के कहर से कब तक जूझते रहेंगे? बिहार में हर साल इसी वक्त बाढ़ के हालात बनते हैं,
तो जरूरी कदम पहले से ही उठाए क्यों नहीं जाते? हम तो पूछेंगे कि नेपाल से आने वाले पानी के लिए आप कोई पुख्ता रणनीति क्यों नहीं बनाते? बाढ़ की शुरुआत होते ही बचाव की कोशिश क्यों नहीं शुरू हो जाती? बाढ़ से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई नीति क्यों नहीं बनाते हैं? ये सभी सवाल वाजिब हैं, साल दर साल उठते हैं, क्योंकि हर बार बाढ़ की एक जैसी ही तस्वीरें होती हैं। 2017 हो, उससे पहले का वक्त हो, आज का वक्त हो, आप सवाल जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं अलग अलग सालों की, उसमें से साल हटा दीजिए, तारीख हटा दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, इन तस्वीरों के बीच का फर्क करना आप भूल जाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे कौन सी तस्वीर किस साल की है। हमारे साथ इस चर्चा में मुजफ्फरपुर से सांसद बीजेपी के अजय निषाद जी जुड़ गए हैं, हमारे रिपोर्टर